एसएस राजा मौली की फिल्म आरआरआर कई कैटेगरी के लिए ऑस्कर 2023 के लिए भेजी गई थी। वहीं इस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी की नॉमिनेशन में जगह बना ली है। ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी के लिए 5 गानों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से एक ट्रिपल आर की नाटू नाटू है। इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला था। ट्रिपल आर का नाटू नाटू गाना काफी हिट हुआ था। इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया था। साथ ही इस गाने पर रामचरण और जूनियर एनटीआर के डांस ने भी लोगों का खूब दिल जीता था। इस गाने का म्यूजिक एमएम किरवानी ने दिया है और लिरिक्स चंद्र बोस ने लिखे हैं। वहीं इस गाने को विशाल मिश्रा और राहुल सिपलीगंज ने गाया है। अब इस गाने ने 95वें ऑस्कर के नॉमिनेशन में जगह बना ली है, जिसके बाद सभी की निगाहें 12 मार्च पर टिकी है, जिस दिन ऑस्कर 2023 के विनर की घोषणा होगी। मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली के द्वारा निर्देशित ट्रिपल आर साल 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण, जूनियर एनटीआर अहम किरदार में नजर आए थे। इन दोनों के अलावा बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भी खूब प्यार मिला। फिल्म की कहानी के साथ साथ इसमें दिखाए गए VFX भी लोगों को खूब पसंद आए थे और ट्रिपल आर ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। ट्रिपल आर 24 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने न सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर में भी काफी तगड़ी कमाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक SSS राजामौली की इस फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। दोस्तों, अगर आपने भी ये मूवी देखी होगी, मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मूवी तो हर किसी ने देखी होगी। तो आपने अगर ये मूवी देखी है तो हमें बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपना आंसर हमें दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब।